कहता है संविधान खत्म कर दो, कोई कहता है आरक्षण खत्म कर दो, कोई कहता है संविधान को बदल डालो, कोई कहता है आरक्षण को बदल डालो। अरे तुम क्या क्या बदलोगे, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। हम बता देते हैं कि तुम जिस दिन संविधान को हाथ लगाओगे उस दिन तुम्हारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब यहाँ पर खालिस्तान की मांग करता है कोई आदमी, जब कोई आदमी बौद्ध राष्ट्र की बात करता है कोई आदमी, जब कोई मुस्लिम स्थान की बात करता है आदमी, उसके ऊपर एनएसए लग जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और ये आपके तमाम लोग साधु लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या इन पर एनएसए लगेगा? क्या वो सोच रहे होंगे कि ये लड़की बैठ गई है, 10-15 दिन चलेगा, चली जाएगी, पानी बंद कर दो, यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दो, हमको धमकाओ, रात में आके पुलिस भेजो। लेकिन हम तुमको बता देते हैं, एक महीने तो क्या, एक साल ये आंदोलन चलेगा, जब तक डॉक्टर रितु को ये पूरा का पूरा सम्मानजनक न्याय नहीं मिल जाता। यहां पर जुर्म होने की फहरिस्त बहुत लंबी है। ये कोई रितु तुम्हारे ऊपर ही जुर्म नहीं हो रहा है, जुर्म बहुत दिन से हो रहा है। लेकिन जो जुल्म सहकर बच गए, ठह गए, चले गए, बैठ गए अपने घर में चुपचाप, उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन हम लोग जब तक सविता रॉय डॉक्टर जो एट्रोसिटी एक्ट का, SC ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जब तक वो जेल नहीं चली जाती तब तक हमारा समझौता नहीं होगा। ये SC ST एक्ट ऐसा है जिसमें 6 महीने से पहले जमानत नहीं होती। पुलिस ने भी रिपोर्ट लगा दी, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये हम लोगों के साथ भेदभाव, झूठे आरोप लगाकर हमारे बच्चों को सस्पेंड किया जाता है, हमारे बच्चों की यूनिवर्सिटी में नहीं छोटे छोटे कॉलेजों में उनकी मेरिट को खराब किया जाता है। मेरिट ही खराब नहीं, उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है जिससे वो मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी पर लटक जाते हैं। इस बात का जिम्मेदार वो बच्चा नहीं होता, इस बात का जिम्मेदार वो होता है जो उसके ऊपर जुल्म करता है, जातिगत आधार पर उसका उत्पीड़न करता है, जातिगत आधार पर उसको सताया जाता है, जातिगत आधार पर उसको नंबर कम दिए जाते हैं, जातिगत आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन डॉक्टर रितु तुम झुकना मत, हम लोग पूरा देश तुम्हारे साथ है। हमने यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों को बातचीत की है, वो भी समय आने पर आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। ये जुल्म कोई आज का नहीं है, हजारों साल का जुल्म है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा श्रेणी का दूध पिया है, वो कभी झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे, लेकिन अपने बातों से मुकरेंगे नहीं। ये मैंने कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से बात की कि तुम क्यों डरते हो, लेकिन तुम अंबेडकर मंच पर जाकर, अंबेडकर जयंतियों में जाकर, सामाजिक मंचों पर जाकर, मैं कई प्रोफेसरों को जानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को जो बड़ी बड़ी स्पीच और बड़ी बड़ी वकालत करते हैं समाज के बारे में, जुल्म के बारे में, लेकिन वो यहां उनको आना चाहिए। लेकिन यदि वो यहां नहीं आते हैं
तो संजय भंते करुणाकर पहला व्यक्ति होगा जो सामाजिक मंच पर उनको धक्का मार के नीचे डालेगा। धक्का नहीं मारेगा, चार पांच लड़के पकड़ूंगा, पैर पकड़कर उनको नीचे फेंक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम मंच पर समाज पर के मंच पर जाओ और समाज का सम्मान पाओ, लेकिन समाज पर जुल्म हो तो चुपचाप तुम भीगी बिल्ली की तरह चुप बैठे रहो। क्या यहाँ के एमपी एमएलए जो रिजर्व सीट से आते हैं, क्या उनको पता नहीं है कुछ लोग इतने चालाक हैं राजनीतिक लाभ के लिए जब उनको भीड़ दिखाई देती है तो वो अपना लंबा चौड़ा भाषण ठोकते हैं और भाषण करके गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं, लेकिन वो सहयोग के नाम पर एक कदम भी सहयोग तो नहीं देते हैं। चलो पैसा मत दो, लेकिन कम से कम तुम अपने लोगों को यहाँ भेजो, कम से कम अपने वॉलंटियर भेजो, कम से कम तुम एक दो दिन में चक्कर लगाओ। लेकिन जब उनको दिखती है कि ऋतु डॉक्टर ऋतु के यहाँ भीड़ आ रही है, चलो भाई अच्छे पढ़े लिखों की भीड़ आ रही है, हमारी पहचान बनेगी। आज मैं देख रहा हूँ हमारे वकील साहब, क्या नाम है, भानु प्रताप जी, और हमारे वो वकील साहब, क्या नाम है उनका, राजा साहब, और हमारे यादव जी यहाँ पर बैठे हैं। इन पर भी काम है, इनको भी घर जाना है, इनके भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को टाइम न देकर इन्होंने ऋतु को अपना बच्चा समझा है कि ऋतु पर परेशानी है, हमको जाना चाहिए। मैं अपने पैर से लग रहा हूँ, लेकिन मैं कार से नहीं आया, क्यों कार से क्लिप मेरे से डबकी नहीं है, इसलिए मैं स्कूटी से आया कि मुझे जाना चाहिए उस बच्ची के उसके देखने के लिए, क्योंकि वो बच्ची संकट में है और वो बच्ची जो लड़ाई लड़ रही है अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। इस देश में जो जातिवाद का खैर है, आज ऋतु हारेगी तो सारे देश का व्यक्ति हारेगा। आज ऋतु के ऊपर जुल्म हो रहा है कल तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, और तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है कल तुम्हारे ऊपर होगा। लेकिन ये लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए स्वाभिमान के लिए ये लड़ रही है। हम लोग इस देश में छुआछूत का ऐसा कलंक है, स्टालिन ने थोड़ा सा कह दिया, एक सन्यासी ने जो लंगोटीधारी है नंग धड़ंगा है उसने कह दिया कि मैं स्टालिन का सर कलम कर दूंगा। पहले भी उसने कहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, राजेंद्र पाल को मार डालो। अरे तुम कितने लोगों को मारोगे, आज करोड़ों स्टालिन करोड़ों राज करोड़ों लोग पैदा हो गए, करोड़ों भंते करुणा करने पैदा कर दिए। पुरानी पीढ़ी के लोगों में नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है। पुरानी पीढ़ी के पर लोगों पर जुल्म हुआ, वो चुपचाप बैठकर तुम्हारे जुल्म को सहकर, लेकिन हम जानते हैं कि हम तुम्हारे जुल्म का मुकाबला करेंगे। तुमको मालूम होना चाहिए कि 2 अप्रैल 2018 को तुमने एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया था। एट्रोसिटी एक्ट के लिए हमने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, हजारों संस्थाओं ने प्रधानमंत्री गृहमंत्री के लिए लिखा था, लेकिन तुम्हारे ऊपर जू नहीं रखी। जब ये समाज सड़कों पर उतर आया, रेल की पटरियां फटने लगी, पूरा देश चलने लगा, 12 बच्चे मारे गए, तो तुम्हारी समझ में आ गया और तुमने एट्रोसिटी एक्ट को जो कमजोर किया था उसको वापस लिया। कोई कहता है संविधान खत्म कर दो, कोई कहता है आरक्षण खत्म कर दो, कोई कहता है संविधान को बदल डालो, कोई कहता है आरक्षण को बदल डालो। अरे तुम क्या क्या बदलोगे, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। हम बता देते हैं कि तुम जिस दिन संविधान को हाथ लगाओगे उस दिन तुम्हारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब यहाँ पर खालिस्तान की मांग करता है कोई आदमी, जब कोई आदमी बौद्ध राष्ट्र की बात करता है कोई आदमी, जब कोई मुस्लिम स्थान की बात करता है आदमी, उसके ऊपर एनएसए लग जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और ये आपके तमाम लोग साधु लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या इन पर एनएसए लगेगा, क्या इन पर एफआईआर लॉन्च होगी? ये दोहरा चरित्र भारत सरकार का ये कैसा है? हम किसी भी हालत में इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हम किसी भी हालत में इस देश के संविधान को नहीं बदल देंगे। भले ही 2024 में ईवीएम के सहारे जीत कर आ जाना, लेकिन उसके बाद 2024 में यहाँ पर एक सामाजिक क्रांति होगी, यहाँ पर सम्मान की क्रांति होगी, यहाँ पर आंदोलन शुरू होगा। ऐसा नहीं है ये लोग उसके लिए चुपचाप बैठेंगे,
कहने का मतलब यह है कि रितु बहन जो कर रही है उसके लिए हम सब लोगों को साथ देना चाहिए, आर्थिक साथ देना चाहिए, मानसिक साथ देना चाहिए, शारीरिक साथ देना चाहिए, हम सब लोगों को आना चाहिए। भानु प्रताप जी हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कानून के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं तो कानून पढ़ा नहीं, मैं तो यही बातचीत करना सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम इस केस को ले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। यदि इन्होंने 10-5 दिन में नहीं किया तो हम इस केस को जो FIR हुई है, जो उसमें चार्जशीट लगी है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे और हम लोग इसे जेल में पहुंचाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।